पप्पा को विदाई देने का वक्त आ गया है और हम हैं अंकिता के घर, जिन्होंने अभी अभी पप्पा को विदाई दी है 5 दिन बड़े ही प्यार से सेवा करने के बाद। कैसी रही ये विदाई, ये बताइए। एकदम से इमोशनल हो गई क्योंकि हमारे पप्पा इको फ्रेंडली हैं, तो हमने अपने ही घर की छत पे एक टम्बलर में इनको विदाई की है, इनकी विदाई की है। तो हमारे सामने ये लिटरली धीरे धीरे सबमर्ज हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये वाली जो इमोशन है बहुत अजीब है। इनके सामने 5 दिन इनको रोज़ मिले हैं, दिन रात फ्रेंड्स आए हैं, फैमिली आई है, और अब ये जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कल से घर सूना हो जाएगा, कल सूना हो जाएगा। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है जो हम लोग ये इको फ्रेंडली ला करके इस तरह से करते हैं अपने घर पे। मेरी बल्कि सबसे यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मोस्ट लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। इससे क्या कि एक तो वातावरण शुद्ध रहेगा, और क्या होता है कि बाद में विसर्जन के बाद जब अगले दिन आप समुद्र किनारे या जहाँ पे आप तालाब में जाके विसर्जन करते हो, वहाँ जिस तरह से इनकी दुर्दशा देखी जाती है, तो उससे ये लगता है कि मतलब इसके लिए हम 5 दिन इनको अपने घर पर रखा था कि फिर ऐसा निरादर करेंगे इनका, तो मुझे वो सब वेस्ट लगता है। इसलिए मेरी हर एक से ये प्रार्थना है कि अपने घर पर लाइए, छोटे लाइए, इको फ्रेंडली लाइए, और घर पर विसर्जन कीजिए जैसे हम लोगों ने किया। कुछ कहना चाहेंगे कैसे रही ये 5 दिन, किस तरह से तैयारियां की थी? मेरे लिए सिर्फ 5 दिन नहीं थे, मेरे लिए मोस्टली 1 मंथ, क्योंकि 1 महीने पहले से मेरा एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है, कैसे करना है, क्या करना है, आज यहाँ से क्या लाना है, आज वहाँ से क्या लाना, पूरी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, ताकि लास्ट के जो 5 दिन के पहले के 2 दिन है वो बहुत सुकून से इनकी सजावट हो। और हर बार सजावट के लिए सोचती हूँ कि नहीं इस बार बहुत सिंपल सा कुछ होगा, लेकिन वो सिंपल होता है सिंपल, बट कुछ अलग हो जाता है, वो अपने आप से हो जाता है। और कितनी मदद होती है यहाँ से? मदद पूरी तरह होती है, बिल्कुल होती है। कितनी कितनी हेल्प की अंकिता, सारी सजावट हो गई, या गेस्ट इतने सारे आ रहे थे? बस बीच में मम्मी वाज शूटिंग फॉर अ पायलट, शी इज स्टिल शूटिंग टुनाइट, अभी विसर्जन करके वो शूट पे ही जाने वाली है फॉर अ नाइट शिफ्ट। और पूजा जो है हमारी, मेरे पिताजी करवाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पंडित हैं, ये MP में रहते हैं, और वहीं पर सारा गणपति और शादी सबके घर में हवन कराते हैं। तो अभी 3 साल से मैंने इनको वहाँ से किडनैप किया हुआ है कि वहाँ गणपति नहीं करोगे आप, मेरे घर में गणपति की पूजा करोगे। तब क्योंकि क्या होता है, यहाँ पंडितों के पास टाइम नहीं होता है, वो आते हैं बेचारे आधे घंटे में, जो भी हो जल्दबाजी में मंत्र बोले, आधे बोले, नहीं बोले, भाग जाते हैं। तो वो एक सुकून से पूजा करने वाली जो बात होती है वो फिर फोन पे भी, मतलब वो मंत्र के बीच बीच में उनका फोन चलता रहता है और झूठ भी चलता रहता है दूसरे के साथ, दूसरे का बुलावा भी होता है ना उनका, तो यहाँ निपटा के वहाँ भी जाना है। अच्छा, ये जाते जाते पप्पा को क्या कहा कान में अंकिता, कुछ कहना चाहेंगे? पप्पा से इस साल मेरी एक विश है, और अगर वो विश पूरी हो जाती है, वेल एक्चुअली हो ना हो, आई स्टिल वॉन्ट कि नेक्स्ट ईयर ये मेरे ससुराल में मेरे घर पे आए। तो वो विश तो ऑब्वियसली पर्सनल, आई कांट से दैट आउट लाउड, बट ये विश भी है कि अगले साल मेरे घर आए। अच्छा, करण आए थे, वो कितने रिलीजियस है, क्योंकि आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी वो थोड़ा कम है रिलीजियस। करण रिलीजियस नहीं है, ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो ज़रूर आ जाते हैं, बट एज फार एज भगवान की पूजा करना गोज, ही इज़ नॉट टू मच इनटू इट। उसका मानना यह है कि मैं लोगों की मदद करूँ, उसमें विश्वास करता है, ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, और इसलिए मैं ऐसी चीज़ों में फ़ोर्स नहीं करती हूँ, बिकॉज़ हर किसी के बिलीव्स अलग होते हैं, वो किसी की मदद के लिए एक पांव पे खड़ा हो सकता है, बट अगर उसे बोलो कि इतनी दूर 400 किलोमीटर दूर जाके मंदिर जाके हाथ जोड़ो, ही विल थिंक अबाउट इट, बिकॉज वो कहेगा कि इतना टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज करके किसी की मदद कर सकता हूँ। सो दैट वे आई डोंट फोर्स एनीथिंग आउट ऑफ हिम, और ये हमारी परंपरा है, 5 सालों से हमारे घर में है, सो दिस इज़ अ बिग फेस्टिवल फॉर अस। जैसा कि मम्मी ने कहा, 1 महीने से मम्मी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, हालांकि पिछले 2 सालों से मैं यहाँ हूँ नहीं, आती जाती नहीं है, रही हूँ। सो दैट्स अबाउट इट। करण की बात करें तो आप दोनों से भी जानना चाहेंगे कि करण की कोई क्वालिटीज़ जो आप को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे सारी पसंद होंगी कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं करण को 3 साल से जानता हूँ, तो मेरे पास तो उसकी बहुत सी क्वालिटीज़ है जिनको मैं जानता हूँ। मैं तो बोलती हूँ करण ने पहले ससुर चुने हैं, फिर बीवी चुनी है। तो हाँ, वाकई तो इसलिए क्योंकि उनको उसको पापा से बहुत प्यार है। हाँ। नहीं, सबसे बड़ी बात जो एक अंकिता भी कह चुकी कि वाकई करण में की मैं तारीफ करूँगा कि उसमें यह बहुत है कि आउट ऑफ द वे जाके वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। उसे सब पता लगना चाहिए कि किसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, या कहाँ कोई परेशान है। तो
एकदम भागेगा वो, कि इवन हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि कुछ हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम लोगों की हुई किसी के मदर फादर या चाचा चाची को लेकर के, तो ये बड़े बड़ी जगह पर फ़ोन करके उस हॉस्पिटल में अरेंज करवाता है कि देखो मेरा आदमी आ रहा है, इसको देख लेना क्या क्या करना है, मतलब मनी वाइज वैसे हर तरह की हेल्प करने की। तो इसलिए उसकी वो नेचर तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। करण ही नहीं उनके दादाजी उनके पापा, पूरी फैमिली मतलब इसमें है कि किसी की भी हेल्प करनी हो भाग के जाएंगे, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अच्छा अंकिता से तो मैंने पूछा, आप दोनों से भी जानना चाहूंगी, बप्पा को इस साल क्या कुछ मांगते हैं, कुछ विश होती है, कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये बप्पा के कान होते तो क्या कहते हैं? मेरी विश बप्पा यही है कि सबसे पहली बात कि मेरी बेटी खुश रहे, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत जल्दी नाना बन जाऊं। यही मेरी विश है बप्पा से बस। डिट्टो बोल। नहीं डिक्टो नहीं बोलूँगी, पापा ने इतनी बड़ी विश पूरी की है कि उसके बाद हमें लगता है कि वो जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, अंकिता के लिए, करण के लिए, हमारे लिए। वो जो भी कर रहे हैं 5 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मेरी और कोई विश नहीं है। एक्चुअली ऑल इन गुड टाइम। मेरे साथ स्पेशली जब भी जो भी होता है, चाहे लेट होता है बट सही होता है। सो दिस इज एक ऐसा बिलीफ हो गया है कि चाहे देर से हो पर सही होगा। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड ऑल्स वेल दैट बिगिंस वेल। सो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरामैन दीपक के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।